यूएस ओपन के मेन्स सिंगल्स ग्रैंड स्लैम के फाइनल में राफेल नदाल ने डैनियल मेडवेडेव को 7-5, 6-3, 5-7, 4-6, 6-4 से हराया। राफेल नदाल ने जीता 19वां ग्रैंड स्लैम। फेडरर की बराबरी से अब एक खिताब दूर। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर बोले, 100 दिनों के कामों ने देश के नागरिकों को अधिकार संपन्न बनाया। अनुच्छेद 370, तीन तलाक सबसे अहम और साहसिक फैसले। मोदी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर कांग्रेस ने किया हमला। राहुल गांधी बोले, बिना विकास के 100 दिन पूरे होने की बधाई। कपिल सिब्बल बोले, पीएम देश को बताएं अर्थव्यवस्था की हालत खराब क्यों है। स्टर्लिंग बायोटेक केस में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल के बेटे फैजल पटेल से आज पूछताछ करेगी ईडी। ईडी ने दिया था पेश होने का आदेश। वरिष्ठ वकील और वाजपेयी सरकार में कानून मंत्री रहे राम जेठमलानी का 95 साल की उम्र में निधन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने शोक व्यक्त किया। मध्य प्रदेश में भारी बारिश के चलते अगले 24 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। भोपाल और सागर समेत अन्य जिलों में सोमवार को स्कूल और कॉलेज बंद रखने का आदेश। और ओल्ड ट्रफर्ड मैदान पर खेले गए एसिड सीरीज के चौथे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 185 रन से हराया। 2-1 से ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज में बनाई बढ़त।